हाय दोस्तों, मैं अभिषेक और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप गोवा से दूधसागर वाटरफॉल्स कैसे जा सकते हैं। अगर आपको वाटरफॉल्स जाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी किसी भी नियर बाय टूर एंड ट्रैवलर से। जैसे कि मैं अभी कालिंगुड बीच पर रह रहा हूँ, तो मैंने नियर बाय किसी से करवाया है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर दूधसागर जाने के लिए आपको कितना कितना खर्चा क्या होगा। तो आपको पर पर्सन बैठेगा 1400 रुपीज़, उसमें सब कुछ इंक्लूड कर देंगे, जैसे कि आपका ड्रॉप और पिकअप आपको होटल से ले जाएंगे और होटल पे छोड़ेंगे, पहला। दूसरा, ये आपको जितने भी वहाँ पे सफारी होगी सब कुछ खर्चा वो वही देंगे। और तीसरा, ये आपको लंच वो वही करवाएंगे बस वाले, जिसमें वेज और नॉन वेज बुफे दोनों हैं। और आते हुए 2-3 चर्च भी घुमाएगी बस। और रही बात बस की, तो बस आपको टेम्पो ट्रैवल भी मिल सकता है और बड़ी बस भी मिल सकती है, छोटी कार नहीं मिलती इसमें। और अभी बज रहे हैं 6:15 और पिकअप पॉइंट है मेरे होटल के बाहर 6:30 का। तो हम 6:30 निकलेंगे, एक जगह रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट हमें अपने पैच वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद सीधा वाटरफॉल्स रुकेंगे, वहाँ से हम दूसरी कार में जाएंगे जो गवर्नमेंट की मिलती है। वहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। तो फिर सुबह के 6:30 रहे हैं, कालिंगुड बीच का हूँ मैं। यहाँ पर हमारी बस आएगी, ये देखो बिल्कुल अब सब चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई शोर नहीं कुछ नहीं। तो सुबह 6:00 कालिंगुड बीच पे आपको एक दो दुकानें मिलेगी खुली ब्रेकफास्ट करने के लिए, जैसे कि ये शॉप खुली हुई है। जस्ट बीच से आपको थोड़ा राइट आना है इस गली में, श्री साईं फैमिली रेस्टोरेंट करके है। तो इस दूध सागर के पैकेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो भाई, ये आ गई अपने बस दूध सागर फॉल्स के लिए। इनके दो नाम मैं डिस्प्ले में डाल दूंगा, ये वो चर्च है जहाँ पे मम्मी अभी भी रखी हुई है। तो दूधसागर में बस ने उतार दिया दूधसागर के नियर बाय। तो अब यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ रहे कहीं जा रहे हैं। तो दूधसागर के 2 मिनट पहले हमने किसी रेस्टोरेंट में रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि आगे कुछ मिलने वाला है नहीं। गाड़ी से उतर चुके हैं और यहाँ हो रहा है गाड़ियों का जाम लगा पड़ा है। तो वो यहाँ से बोल रहे हैं 10 से 15 मिनट के लिए ट्रैकिंग है, फिर वाटरफॉल आ जाएगा। चल रहे हैं, देखते हैं कितना दूर है यहाँ से। वो सब जा रहे हैं, वो आ गया दूधसागर वाटरफॉल्स। तो एंट्री हो गई है दूधसागर, ये लिखा हुआ दूधसागर वाटरफॉल। यहाँ पे गाड़ियों ने हमको छोड़ दिया है, बोला आपको 1.5 घंटा मिलेगा यहाँ से जाना है, 15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में और 1 घंटा नहाने के लिए। पानी वहाँ पे गहरा है इसलिए मैं लाइफ जैकेट पहना दिए। इतना ज़्यादा ट्रैकिंग वाला रास्ता है ये। तो मैं आप लोगों को यहाँ का सीन बता दूँ, यहाँ पे पानी की बॉटल सिर्फ एक गाड़ी के लिए एक अलाउड है। अगर आप 2-3 पानी की बॉटल लेके जाते हो तो सारी बॉटल वापस लेके आनी पड़ती है। और रही बात कैमरे की, तो आपको पर कैमरा 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर कैमरे के लिए बचाना है पैसे नहीं देने, तो एडवाइस ये है कैमरा रख दो नीचे गाड़ी के और बोल दो कैमरा नहीं है, क्योंकि अंदर कोई पूछता नहीं है। फुल मस्त, एकदम बढ़िया ट्रैक लग रहा है। आ, आ,
तो यहाँ पर कोई मास्क की ज़रूरत है नहीं, सब बिना मास्क के घूम रहे हैं। कितने झरने आ रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़, तो कितना बढ़िया, मतलब अलग ही फील आ रही है इसको देख के यार। आपको एक मेन चीज़ और बता दूँ, अगर आप देखो फॉर मेल यहाँ पे चेंजिंग रूम आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं, एंड लेडीज़ के लिए मैं बता दूँ यहाँ पे अलग से चेंजिंग रूम बना रखा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा अगर मैं आपको चेंजिंग रूम आराम से मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप आ रहे हो तो चप्पल पहन कर ही आना। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है दूध सागर का, और पानी इतना ज़्यादा गहरा है आगे, मैं आगे तक पहुंच भी नहीं पाया। आपको हर 10 मिनट की दूरी पे वॉशरूम मिल जाएंगे, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्सी वाले आपको एक लिमिटेड टाइम दे देंगे कि 1.5 घंटे में आपको आना जाना करना है, 15 मिनट जाने के, 15 मिनट आने के, और 1 घंटा नहाना। इससे ज़्यादा कोई आपका वेट नहीं करेगा, तो बी ऑन टाइम, लेट मत करना। और यहाँ की सीरियसली ब्यूटी बहुत अच्छी है, एकदम नेचुरल, रोड भी नहीं बना रखी जान पूछ के, गोवा वाइल्ड लाइफ वालों ने से लगी हुई वाइल्ड लाइफ है। आपको आते टाइम यहाँ पे बहुत सारे बंदर मिल जाएंगे, बस उनको खाने के लिए मत देना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंदरों को खाना मत दें, इट इज़ प्रोहिबिटेड। यहाँ अपने आप कार ढूँढें, आपकी कार का क्या नंबर है, जैसे उस पर लिखा 144, इस पर 10 239।
दूध सागर के बाद 10 किलोमीटर चले हैं हम बस से, और यहाँ पे हम कहीं किसी जंगल में आ गए हैं लंच करने के लिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको कोई वाईफाई नहीं मिलेगा, कोई इंटरनेट नहीं मिलेगा। मेरा फ़ोन क्योंकि पिछले 4 घंटे से नो सर्विस पे है और अभी भी नो सर्विस पर ही है, आपको कोई नेट वेट नहीं मिलेगा। अगर आपका जियो है तो आपका नेट चल जाएगा, अदरवाइज़ कोई कंपनी नहीं चलेगी यहाँ पे। ये यहाँ पर नहीं, ये पूरे गोवा का बता रहा हूँ मैं। गोवा में नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपके होटल में वाईफाई होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आपको झेलनी ही पड़ेगी। लेमन ग्रास टी, इसमें लेमन ग्रास है, कार्डमम और जिंजर। ओके, वेरी गुड फॉर हेडेक, माइग्रेन्स, टायर्डनेस रिमूव करने के लिए। ओके, एज यू आर इन गोवा इज आल्सो गुड फॉर हैंगओवर। ओके, कौन सा बताएगा ना सिग्नल। वाह वाह, लो जी ले लो भाई लेमन टी हैंगओवर करने के लिए। ज़्यादा बड़ी नहीं है क्या? इन बच्चों से दूर रहो। ये भूख बढ़ाने के लिए अल्कोहल नहीं है, पर पानी है क्या? ज़्यादा लग रही है ना, बढ़ाएगी भूख बढ़ाने के लिए। फिर कहाँ आए? इंडिया। आपका खाना रेडी है? आप लोग जो इनसे पैकेज लोगे ना ट्रैवलर से, जो 1400 में आपको सब कुछ करवाते हैं, तो यार सीरियसली बता रहा हूँ, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। इन्होंने इतना अल्टीमेट लंच करवाया है, मैं आपको दिखाता हूँ लंच में इन्होंने कितना मस्त मस्त सामान दिया है। मतलब ऐसी चीज़ अलग ही, मतलब रोटी ही नहीं, नान ही नहीं, ब्रेड से सब्जी खा रहे हैं। और लंच से पहले इन्होंने एक लेमन टी दी स्टार्टिंग में और सबको जितने भी थे, और उसके बाद एक छोटी सी ड्रिंक और दी। उन्होंने बोला ये अल्कोहल तो नहीं है, इससे आपकी भूख डबल हो जाएगी, तो ये सब ड्रिंक करना 18+, जो इससे 18 से नीचे है वो ड्रिंक मत करना। अब लंच कर लिया है, और लंच करने के बाद मैं जा रहा हूँ अपनी बस में, और ये मे बी 2 घंटे के अंदर होटल में ड्रॉप कर देंगे हम सबको। अगर आपको फ़ोटो शूट करवानी है तो यहाँ आ सकते हैं। ये जगह आपको जब भी पता चलेगी जब आप पैकेज लेंगे, तो आपको एडवाइस ये रहेगी आप पैकेज लेकर ही आएँ 1400 में, तो इसमें सब कुछ इंक्लूड करके देंगे। अगर आप खुद से आओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ट्राई करके सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक इसको खाना है, एम्प्टी स्टमक 4 से 5 बजे और 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू रखना है। आपका डायबिटीज लेवल जो है कम होता है, और नॉर्मल पर्सन जिसका डायबिटीज नहीं है वो भी खा सकता है टू मेंटेन द शुगर बैलेंस। ओके, अभी कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे मेल और फीमेल को? इसका जो लाइफ लाइन बोलते हैं ना, ये अगर आपको स्ट्रेट दिखाई देगा ना तो मेल है, मेल होते सीधे हैं, और जो सीधे हैं। ओके, और जो टेढ़े पत्ते दिख रहे हैं आपको वो फीमेल है। ये तो वैसे ही बताया था, वैसे ही देख लेते कहते कहते मर जैसे लगते हैं ये फीमेल है। ओके, सिर्फ फीमेल लिम्स का नहीं, टेढ़े लिम्स। ओके, टेढ़े हो जाए। कालिंगुड बीच पर उतर गए हैं, और ये रहा है हमारा 11 घंटे का सफ़र। जहाँ से पिक किया था वहीं पर ड्रॉप कर दिया इन्होंने, तो मैं रूम पे जा रहा हूँ। तो ये था पूरे 11 घंटे का ट्रिप दूध सागर का। अब शाम को थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए एक बार मैं बैग ये रख देता हूँ अपने रूम में। तो फाइनली रूम में आ चुका हूँ, और इस टाइम बज रहे हैं शाम के 5:30। तो ये 11 घंटे का ट्रिप था दूध सागर का, और सीरियसली इतना मज़ा आया है, यहाँ से सही आ रही है। हाँ, और
इतना मज़ा आया है ना दूधसागर में कि हाँ लगेगा कि हाँ आपके जो 1400 रुपये आपने दिए हैं ना पूरे वसूल हैं। ये शाम का व्यू देखो रूम से,